आठ आदतें आज ही सुधार लो, किस्मत चमक जाएगी। जाने अनजाने में अक्सर आप और हम कुछ गंदी आदतों के आदि हो जाते हैं। ये जाने बिना कि ये आदतें आपकी किस्मत के दरवाजे को बंद किए हुए हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं वो कौन सी आठ आदतें हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। नंबर वन, मेहमान को हमेशा साफ पानी पिलाएं। अतिथि देव समान होता है। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव आपकी राशि घर नहीं पड़ता है। ऐसे में आपको जीवन में आने वाली अकस्मात परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर दो, थूकने की आदत। अगर आपको थूकने की आदत है तो इसे तुरंत सुधारें, क्योंकि ये आदत आपके यश, सम्मान और प्रतिष्ठा को कम करने वाली है। थूकने का जहाँ सही स्थान है, यानी वॉश बेसिन, वहीं थूके, हर जगह नहीं। ये आपको आपके भाग से दूर जा रहा है। नंबर तीन, घर में अगर पौधे लगाए हुए हैं तो फिर समय समय पर नियमित रूप से पानी डालते रहें। ऐसा करने से बुध, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति शुभ रहती है। जब ये ग्रह आपसे खुश रहेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंबर चार, नहाते समय पैरों को साफ करना। अगर आप नहाते हुए अपने पैरों की अनदेखी करते हैं तो ऐसे में आप एक चिड़चिड़े इंसान बन सकते हैं। आपके दिमाग की सक्रियता कम हो सकती है तो और गुस्सा आप पर हावी हो सकता है। नंबर पाँच, अगर आपको रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने की आदत है तो संभल जाएं, क्योंकि ये आदत आपकी सफलता में बाधक होती है। अगर बर्तन को साफ रखते हैं तो चंद्र और शनि ग्रह हमेशा शुभ स्थिति प्रदान करते हैं। नंबर छः, घर में चप्पल, जूते, मोजे ठीक से रखें, इधर उधर न फेंकें। ऐसा करने पर राहु और शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है और आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे घरों में हमेशा परेशानी बनी रहती है। नंबर सात, खाली हाथ घर से न निकलें। ऑफिस, दुकान, बिजनेस और यात्रा पर जाते समय कुछ न कुछ हाथ में लेकर निकलें और वापस इन कुछ लेकर आएँ। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कुछ ना कुछ लेकर ही घर पर आए तो घर में खुशियों का प्रवेश होता है और घर पर सकारात्मक माहौल बना रहता है। नंबर आठ, खाने के थाली में उतना ही ले जितना खाना हो। अन्य का अपमान ना करें। थाली में जूठन ना छोड़ें। ऐसा करने पर घर में रुपयों की कमी हो जाती है और नवग्रह नाराज हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।